कटिहार में जीविका दीदी जन वितरण प्रणाली के कार्ड बनाने के नाम पर वसूली कर रही है। दरअसल सरकार कोरोना की इस घड़ी में आसानी से लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए घर घर जाकर वैसे लोगों का नाम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दी है जो वाकई इसके हकदार हैं। लेकिन कटिहार के चिलमारा गांव में लोगों से जीविका दीदी कार्ड बनाने के नाम पर 50-50 रुपए वसूल रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि वो कागज से जुड़े खर्च के लिए ये पैसे ले रही है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। स्थानीय डहेरिया पंचायत के मुखिया भी ग्रामीणों के बयान के आधार पर ऐसी शिकायत मिलने की बात कर रहे हैं। कि मुखिया जी, आप किसी जीविका दीदी को आदेश दिए हैं क्या फॉर्म भरने का? तो हमने कहा भाई, ऐसा तो हमको कोई ऐसा सोचना नहीं है जो कि हम जीविका दीदी लोग को देंगे, मतलब राशन कार्ड के बारे में सर्वे करने के लिए। तो हम यहाँ से पंचायत पहुँचे तो 14 नंबर वार्ड, वहाँ जीविका दीदी लोग जो है अब फॉर्म भर रहा था। हम पूछे कि इतना भीड़ क्या चीज़ का है? तो बोला कि मुखिया जी, जो है ये जीविका दीदी के द्वारा राशन कार्ड बनेगा और राशन मिलेगा, इसी का फॉर्म हम भर रहे हैं। और ग्रामीण द्वारा से जो कि पैसा लिया जा रहा है, ग्रामीण के द्वारा, तो ग्रामीण से हमको सूचना मिला कि मुखिया जी पैसा लिया जा रहा है, जीविका दीदी 50-50 रुपया करके पैसा ले रहा। तो हमने पंचायत पहुँचे 14 नंबर वार्ड में गए तो हम पता लगाए तो सही में पैसा ले रहा था। सरकारी कोई ऐसा आदेश तो है नहीं, ऐसा सरकारी आदेश है नहीं। तो हमने जो है वीडियो मैडम को फ़ोन किए कि मैडम, जो है हमारे पंचायत में आप ऐसा कोई चिट्ठी उठी दिए हैं कि जो है सर्वे होके जो है राशन वितरण किया जाएगा? तो बोला कि ऐसे जीविका को आदेश है तो सर पैसा लिया जा रहा है 50 रुपया करके सब गरीब से। अभी महामारी का जो है युग है, डाउनलोडिंग में है सब आदमी, और जो है खाने बिना मर रहा, और 50-50 रुपया लेके वो लोग जो है अपना सर्वे कर रहा है, बोला ऐसा। वहीं जिला परियोजना पदाधिकारी इसे गलत बताते हुए जीविका दीदियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। इसके लिए हमने बीपीएम से बात की है, अभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं और उनको आदेश दिया है कि तुरंत इस पे कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जीविका में रखा जाएगा, या जीविका से संबद्ध कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी काम करता है पैसा लेने का, तो वो एकदम अक्षम्य अपराध है जीविका के लिए। कार्रवाई वो उस ग्राम संगठन की स्टाफ हैं, जो कैडर हमारे होते हैं अपने ग्राम संगठन के स्टाफ होती हैं, वो तो उनको उस ग्राम संगठन से कार्रवाई करते हुए उनको तो हटाया। एक तरफ तो सरकार लोगों तक हर मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं ऐसे लोग सरकार के हर कदम को असफल बनाने में लगे हुए हैं। कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट।